डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर्स। अभी तक पिछले टॉपिक में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल या कर्वड सरफेस इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे ताकि अच्छे तरीके से इस टॉपिक पे आपकी जो कमांड है वो अच्छे मजबूत हो जाएगी। देखो, जहाँ तक टॉपिक का ताल्लुक पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे साइड मैंने जो क्वेश्चन है साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ये एक कॉलम है, इसमें साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 11 25 41 63 18, और भी कुछ हो सकता है, और भी खुद भी कर सकते हो, कोई भी नंबर दे सकते हो साइड का, तो आपको पैरामीटर निकालना है। तो दूसरा जो कॉलम है, दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है पी इन सीएम, इसका मतलब है कि पैरामीटर इन सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे कि पिछले टॉपिक में अभी तक पढ़ चुके, जहां तक स्क्वायर की बात है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं लेंथ एंड ब्रेड आर इक्वल, इन स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हूज लेंथ एंड ब्रेड आर इक्वल, स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड बराबर होती है। जब हम स्क्वायर का पैरामीटर निकालते हैं, सिंपली हम याद रखते हैं 4 × साइड ऑफ ए स्क्वायर, 4 × साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सिंपली इस फॉर्मूला को हम याद रखते हैं, क्योंकि वी नो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हूज लेंथ एंड ब्रेड आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड बराबर होती है, इसलिए जब हम पैरामीटर निकालते हैं तो 4 × साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो जहां तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर दिया हुआ है और पैरामीटर इन सेंटीमीटर निकालना है। तो मिसाल के तौर पर एक स्क्वायर 3 सेंटीमीटर 11 25 41 63 18, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली अगर हम पहले कॉलम की तरफ मैं तो दौड़े, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर 3 है, क्योंकि जब हम ये स्क्वायर की बात है, हम पैरामीटर इन सेंटीमीटर निकालना है, क्योंकि इसका मतलब है एक साइड 3 सेंटीमीटर है, इसी तरह दूसरा 11 25, तीसरा 41 63 18, क्योंकि हमने फार्मूला पता है, अभी तक हम पढ़ चुके 4 × साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब है हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लिखेंगे 4 × साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक साइड 3 1 साइड इज इक्वल 3, 4 × 3 = 12, इसका मतलब है इसका पैरामीटर क्या निकला, 12। इसी तरह दूसरा स्क्वायर साइड ऑफ ए स्क्वायर 11, इसका मतलब है 11 × 4, क्योंकि 4 × साइड ऑफ ए स्क्वायर, 4 × 11 = 44, इसका मतलब है जो पहला स्क्वायर था इसका एक साइड 3 के बराबर था, इसका पैरामीटर 12 निकला। इसी तरह दूसरा 11, इसका पैरामीटर 44, इसी तरीके से 25, इसका मतलब है 25 × 4, इसका मतलब है 100, इसका मतलब है जिस स्क्वायर का एक साइड 25 के बराबर है, इसका पैरामीटर 100 होगा। इसी तरह 41, इसका मतलब साइड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 4 4 × 41,